बदी बदी पैकेज आया। अच्छा पैकेज लिए गाइस, देखो एकदम पैकेज का दीवाना है डॉगी एकदम से। चलो और देखो आपके सामने बोलूँगा इसको लेके आएगा। कहाँ से लेके आया? क्योंकि छोटा सा पैकेज है और छोटा पैकेज तो बड़ी ले ही आता है। बड़ी इज़ आर पोस्टमैन डिलीवरी बॉय। बदी जा लेके आ, कहाँ है पूरा सामने जा लेके। बदी बड़ी लेके हल्का सा ही है, उठा के ला बड़ी। ब्रिंग पैकेज जल्दी ला बदी। हाँ उठा के ला। सोच रहा है कहाँ से पकड़ूँ कहाँ से पकड़ूँ। उठा बिल्लो उठा बिल्लो, बढ़िया से टूट जाएगा। हाँ उठा जल्दी उठा। गुड डॉगी गुड बॉय। बेटी पहले पैर हटाएगा तब चलाएगा। ऐसे गुड बॉय लिया। डैडी सीख ले भाई कैसे करते हैं। बड़ी ले गया खेलना नहीं है। जल्दी आ गुड बॉय। बड़ी काम लेट्स गो जल्दी है जल्दी। ब्रिंग पैकेज गुड बॉय। ले आओ ले आओ ले आओ गुड डॉगी। बड़ी ले आया। अच्छा शिल्पा को देके आएंगे। चल चल शिल्पा को देके आएंगे। बड़ी चल शिल्पा को देके आएंगे। चल अच्छा बड़ी ब्रिंग पैकेज ले आओ ले आओ। शिल्पा बड़ी पैकेज ला रहे। ले आया बड़ी पैकेज देखो। बड़ी पैकेज टाइट सामने से उठो। गुड बॉय देखो अपने बेड पे ले गया। दर्द दे दे। चलो गुड डॉगीज। व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल वेलकम टू न्यू ब्लॉग। गाइस ये मंगवाया शिल्पा ने तो पैकेज में ये आया था। हल्की सी एक बॉटल ही है और ये कुछ कॉम्स आया। तो बेसिकली इसमें अब डाबर आंवला ऑयल मंगवाया शिल्पा ने तो दो। और दो मंगवाए। अच्छा दो है तो आंवला ऑयल मंगवाया ना। तो कह रही थी कि ऐसे बालों में जाता नहीं है हाथ। तो मैंने कहा मैं भी तो लगाता हूँ ऐसे। गंगा लो स्प्लिट करो और उंगलियों से लगा लो। आपके छोटे हमारे बड़े हैं कहती है फिर लड़कियों के बड़े बाल होते हैं तो उसको ये चाहिए था। इसमें से ब्रिसल्स में से ही ना ऐसे करके ऑयल निकल जाता है। तुम्हें लगा लो मेरे पास इतने बाल ही नहीं है। थोड़े से बाल में क्या इतना हुआ है। गाइस देखना शिल्पा का लैपटॉप ऑफिस का लैपटॉप है। देखना सर उंगलियों ऑयल के निशान। ये देखो कैसे ऑयल 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 हो रखा है। तो इससे आपने क्या सीखा गाइस? आपने ये सीखा कि जब आप बालों में ऑयल लगाएं तो लैपटॉप पे हाथ साफ करके बैठे। और गाइस मुझे आपसे ना इस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए। हमारे ऑब्वियसली जो भी सारे डॉग ओनर्स हैं ना वो इस बात से एग्री करेंगे कि सोफे और जो बेड है इवन बेड्स के अंदर इनके टॉयज घुसते रहते हैं। तो हमें एक डंडा ला के उनको टॉयज निकालना पड़ता है नीचे से बार बार। तो क्या सोल्यूशन है गाइस बताएं आप हमें। जैसे हम नीचे देखोगे वो रखी है एक ऑरेंज बॉल नीचे दिख रही है आपको एक अंदर ऑरेंज बॉल। तो गाइस ठीक से अच्छा सा सोल्यूशन देना। ये मत बोलना कि कुछ भी एक गत्ता लगा दो और कुछ भी लगा दो नीचे। क्योंकि ऑब्वियसली यू नो गुड लुकिंग होना चाहिए अगर कुछ लगा रहे हैं हम लोग। ऐसे कुछ बैड लुकिंग नहीं होना चाहिए कि बस बॉल नीचे टॉयज ना घुसे हम लोग लगा दें। और सो इमेजिन पूरे घर में बेड के नीचे सारे सोफों के नीचे और टेबलों के नीचे ये करते रहेंगे क्या? तो गाइस प्लीज सोल्यूशन दीजिए। ये बार बार रोज़ रोज़ बॉल घुस जाती है रोज़ निकालना पड़ता है। मैं तो थक गया हूँ निकाल निकाल के। क्या सोल्यूशन है? टॉयज तो घुसेंगे घुसेंगे डॉग्स तो खेलेंगे खेलेंगे। बताएं प्लीज़ बताएं। बस ऐसे ही खेल खेल के ना नीचे गिरा देता है चीज़ें तो घुस जाती है अंदर। प्लस गाइस आज मेरी अपॉइंटमेंट है जो यहाँ की गवर्नमेंट क्या होती है वो डीएमवी की अपॉइंटमेंट है ड्राइविंग की अपॉइंटमेंट। रिमेंबर मेरी अब कार वो पेड ऑफ हो गई तो उसका जो टाइटल था जो ओनरशिप का प्रूफ है वो मुझे कैलिफोर्निया से टेक्सास में चेंज कराना है। तो आज वहाँ जा रहा हूँ मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके। अपॉइंटमेंट ले रखी है अपॉइंटमेंट से काम सही रहता है वरना बहुत टाइम लग जाता है गवर्नमेंट ऑफिस में। तो बेसिकली ओनरशिप का प्रूफ लोन पेड ऑफ होने का प्रूफ इंश्योरेंस की कॉपी अभी करंट लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड पैसे देने के लिए बस चार चीज़ें चाहिए। तो चलो आपको दिखा के लाता हूँ जब भी जाऊँगा। नहीं मैं निकाल रहा पर बड़ी क्यों आवाज़ निकाल रहे हैं बड़ी हर चीज़ नहीं मिलती डॉगी देखिए मेरा आवाज़ मर तो आ गया। नो स्पेशली जब ऐसे मांगता ना डॉगी कभी नहीं देना चाहिए वरना ऐसे एक्सपेक्ट करते रहेंगे। थूक निकल रही है थूक निकल रही है देखो। अब देखो मैं दे दूंगी लेकिन मैं दो बार निकाल कर दूंगी। हाँ तो अब गाइस हम लोग ऐसे करते हैं दिस इज हाउ वी डू इट। आपको ऐसे करना चाहिए देखो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैठ के दोनों कि देंगे। कभी भी गाइस जब भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप फूड मत देना वरना आपके पीछे हमेशा जब भी आप खाओगे ना आपके पीछे घूमते रहेंगे कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा। हम देंगे पर जब भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे लाइक आधे घंटे बाद तब देंगे। नहीं दो मिनट बाद देंगे फिर तो वो एक्सपेक्ट करेंगे हमेशा। तो हमेशा तब इनको दे ऐसी चीज़ें आउट ऑफ देयर फूड जब वो एक्सपेक्ट ना करें। बट तू करता रहेगा हम देंगे। ये ट्राई किया ये चिप्स फ्राइज वाले इसके अंदर ये डाल के खाओ। क्या है कुछ भी चिली पफ विद ब्लैकबेरी। नो थैंक यू।
क्या हो गया, क्या दिखाया बनाया तुमने? गाइस शिल्पा ने फिर से कुछ इन्वेंशन करी आज, और लकीली आज मैं नहीं, आज मैं उसके उसमें नहीं हूँ खाने के लिए। ये लोग करते हैं, खुद खाई गया। जब बच्चे की दाल होती है ना, हाँ, तो वो बड़ी होती है, उसका आटा गूंथ के परांठी बन जाती है। मेरे पास दाल वो वाली थी, घी वाली, घी चने की दाल, घी चने की दाल, मैंने उसका आटा वो तेरी आलू डाल दिया। सही है ना, वो देखो बन गई, पर बन भी गई, देखो बहुत बढ़िया लग रही है। सही है, घी घी चने की दाल की रोटी खाई है भी आपने? दाल की तो खाते ही लोग, लोग खाते दाल। मैं तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाऊँ, मेरे को आधे घंटे में खाना भी खाना है और डॉगीज को रेस्टरूम ब्रेक देके मुझे तैयार होकर निकलना है, क्योंकि अपॉइंटमेंट है मेरी गाइस, और वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई अपॉइंटमेंट। गाइस डॉक्यूमेंट रेडी है और बडी रेडी है। बडी आप नहीं जा रहे, ये आ जाता अंगड़ाई लेके सबसे पहले ना, कि मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा। बट तू तू चेंज करवाएगा क्या टाइटल? मैं आता हूँ बडी, ओके बैठ। ओ एप्लीकेशन फॉर्म घर पे भूल गया मैं, ओ अबड़ तबड़ में भूल गया एप्लीकेशन फॉर्म घर पे भर के रखा था मैंने ऑनलाइन प्रिंट करके, पर आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर ये भी दे देंगे फॉर्म, फिर से भर दूंगा। चलो देखते हैं। ये गाइस ये गवर्नमेंट ऑफिस है, एक्चुअली डीएमवी नहीं है, डीएमवी में बहुत भीड़ होती है और गवर्नमेंट ऑफिस में इतनी भीड़ नहीं होती, अपॉइंटमेंट के बाद आ सकते हो, यहाँ भी होता है तो मैं यहाँ पर आ गया। ओके बहुत जल्दी काम हो गया है, हार्डली 5 मिनट लगे, खाली पड़ा था तो पता, इसलिए मैंने ये गवर्नमेंट ऑफिस में अपॉइंटमेंट ली थी। यूजली लोग डीएमवी में लेते हैं, डीएमवी में अपॉइंटमेंट के बाद भी घंटा घंटा लग जाता है। डीएमवी यहाँ की अथॉरिटी होती है, जैसे इंडिया में अथॉरिटी होती है ना कार्स एंड ऑल के, ऑटोमोबाइल्स की, तो ऐसे यहाँ पे डीएमवी अथॉरिटी होती है, वहाँ पे घंटे लग जाते हैं अपॉइंटमेंट के बाद भी। ये गवर्नमेंट ऑफिस है, यहाँ खाली पड़ा था, अपॉइंटमेंट से काम होता है, गया मेरे को फॉर्म भी मिल गया वहाँ पर रखा, वो मैंने फटाफट फॉर्म भर दिया, पेन में बस रखा था मैंने, अब 5 मिनट काम हो गया मेरे को, इन्होंने प्रूफ दे दिया है, उन्होंने मेरा पुराना टाइटल रख लिया, नया दे दिया है, $34 लिए हैं ट्रांसफ़र करने के, जो कि मेरे हिसाब से थोड़े ज़्यादा है, आई डोंट नो इतना क्या है, बट $34 लिए हैं, $2 क्रेडिट कार्ड के एक्स्ट्रा थे। गवर्नमेंट ऑफिस में क्रेडिट कार्ड के एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं, आई डोंट नो। 2024 में आ गई दुनिया, अभी भी कई जगहों पर क्रेडिट कार्ड की एक्स्ट्रा फी लगती है, बट कैश रखा था मेरे पास, मैंने कैश दे दिया, $2 बचा लिए और 2 हफ्ते में घर पे आ जाएगा, तब तक के लिए ये वाला फॉर्म कार में रखना है, आई एम डन, चलो घर चले। अब रिकॉर्डिंग अंदर अलाउड नहीं थी इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर पाया, हल्का सा घुमा दिया मैंने आपके लिए, थोड़ा आइडिया के लिए, और रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होती गवर्नमेंट ऑफिस में। इस कार में ना ऐसी छोटी छोटी मैं सैनिटाइजर की बॉटलें रखता हूँ, यू नो, जब क्योंकि कार से आप शॉपिंग वॉपिंग करके आते हो तो वहीं के वहीं सैनिटाइज कर लो, तो जो पैंडेमिक आया था ना, पैंडेमिक से पहले बिल्कुल भी आदत नहीं थी सैनिटाइजर की, बिल्कुल जैसे होता ना कि सैनिटाइजर तो छोड़ो, हाथ वाथ धो लेता था साबुन से, वो सही है, बट सैनिटाइजर की ऐसी आदत नहीं थी। बट पैंडेमिक से एक चीज़ अच्छी हुई कि सैनिटाइजर की आदत पड़ गई मुझे, तो आपको भी आई एम श्योर पड़ गई होगी, बताना कमेंट्स में कि पैंडेमिक से पहले आदत थी या नहीं थी, और उसके बाद तो ऑब्वियसली पड़ी गई होगी। पर मैंने देखो, मैंने ना पैंडेमिक के बाद मैंने एक बड़ी बॉटल ले ली थी सैनिटाइजर की, इतनी बड़ी बॉटल, अब बस रीफिल करता रहता हूँ, इससे बहुत चलेगी तो ख़राब थोड़ा ना होता है, अल्कोहल ही तो है, तो कितनी बड़ी बॉटल ली है, बस रीफिल करते रहो, बहुत चलती है ऐसी बॉटलें, मुझे तो लग रहा है ये कभी ख़त्म भी नहीं होगी, इतनी बड़ी बॉटल छोटी छोटी सी रीफिल करनी होती है। कैसा मौसम बहुत बढ़िया होने लगा है डैलस में, जो क्या था मैंने आपको बताया ना, साल में 2 बारी, जनवरी में 1, फरवरी में 2 बारी वो आती है, स्नो स्टॉर्म आता है, जनवरी में तो आ गया, फरवरी में सुना है मैंने कि प्रिडिक्शन में बता रहे हैं फोरकास्ट में कि शायद स्टॉर्म नहीं आएगा इस साल, तो ऑलरेडी बहुत अच्छा वेदर चल रहा है यहाँ, तो आप बताना गाइस आपके यहाँ कैसे कैसे वेदर हो रहा है। दिल्ली में बहुत ठंड थी जैसे विंटर्स में, अभी भी है क्या? और आप अगर आप दूसरी कंट्रीज हैं इंडिया के अलावा तो बताना आपको आपके यहाँ कैसा वेदर है। बट मैं जा रहा हूँ फ्रिज लगाने, याद है फ्रिज मंगवाया था हमने छोटा सा फ्रिज, वो बहुत टाइम से खोला ही नहीं, वीकडे पे इतने बिजी होते ना ऑफिस और फिर वीडियोज और यू नो वरी डैडी, तो अब टाइम मिला थोड़ा सा, चलो उसको लगाते हैं, सेट करते हैं। गाइस हम ये लाइट भी लेके जा रहे हैं क्योंकि ऊपर मीडिया रूम में है ना फ्रिज, और वहाँ पे अंधेरा है तो फिर डार्क बहुत है, वीडियो नहीं बन पाएगी। हाँ वीडियो नहीं बन पाएगी। चलो ये भी लगवाएंगे क्या, दोनों चल रहे बड़े मजे से, तो यहाँ लाइट सेटअप हो रही है तब जाके दिखेगा कुछ, नहीं तो बहुत डार्क है क्योंकि हमारा मीडियम रूम है। हाँ मीडियम तो डार्क ही होता है ना। और ये देखना भाई साहब लोग बैठ चुके हैं सोफे पे, ड्रिंक्स रखेंगे इसमें सारी ना। रजत क्या आइसक्रीम खा जाएंगे? और ये तो फ्रिज है ना सर, इसमें वो नहीं है ना, फ्रीजर नहीं है, इसमें चिलर होता है, फ्रीजर नहीं होता। अच्छा एग्जैक्टली फ्रीजर नहीं होता तो फिर, लेकिन क्या फर्क है? वो ज्यादा ठंडा करता है पर फ्रीज नहीं करता। फिर इसमें क्या रख सकते हैं? फ्रीजर लाइक वो जो होता है चिलर, चिलर में चिल्ला बना के रख सकती हूँ।
अच्छा गाइस, आपको फ्रिज के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो फ्रिज को है ना कभी भी आप टेढ़ा मेढ़ा नहीं करते, हमेशा सीधा रहता है फ्रिज, क्योंकि इसके अंदर कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के अंदर एक ऑयल होता है जो कि अगर आपने लिटा दिया फ्रिज को या टेढ़ा कर दिया, ज़मीन पर कर दिया, कुछ भी कर दिया ना, तो ऑयल कंप्रेसर के ट्यूब्स में चला जाता है और फिर वो ब्लॉक कर देता है, ख़राब हो सकता है। तो इसलिए कभी भी आप एक जैसे फ्रिज हमारे पास आया डिलीवरी होके आई, तो कहते हैं कि 24 घंटे या एक्चुअली 4 घंटे कम से कम इसको सीधा रखो ऐसे, तो उससे क्या होता है ऑयल सही सही अपने कंप्रेसर में रहता है। तो चलो टेक्निकल ज्ञान हो गया। एक बात बताऊं? हाँ बताओ। देखो फ्रिज पड़ा है, टेबल पड़ा है, साथ में प्लांट पड़ा है। हाँ। तो यहाँ फ्रिज रख देते हैं, टेबल पड़ा है, प्लांट लगा दूंगी। हाँ। है ना, एग्जैक्ट सेम लेआउट लग रहा है। दादी क्या हो रहा है, यहाँ भी शो चल रहा है, कोई मीडिया रूम में मूवी चलती है ना, तो मूवी चल रही है, कैसे पड़ा है कार्टून। तो ये रहा फ्रिज बिल्कुल नॉर्मल। ओए क्या, ओह देखो तेरी टेप लग रही है, तो कहाँ कहाँ टेप लगा रखी है, ये लेना ना वो ग्लास। राइट, ग्लास प्लस फिट आया ना सब कुछ अंदर, सही है। हाँ ये होता है गाइस, चिल्लर ये एक्चुअली, ओह ये भी बंद है टेप से, एक सेकंड ये निकल गया। ओके ओ यहाँ भी लग रहा है, तो ये एग्जैक्टली फ्रीज़र नहीं होता शायद, कि होता है क्योंकि नॉर्मल फ्रिज से ज़्यादा ठंडा करता है, पर बर्फ़ जितना ठंडा नहीं होता आई थिंक है। विल ट्राई, जब ट्राई करेंगे तब बताते हैं आपको। ओ माय गॉड गाइस, प्रॉब्लम होगी, फ्रिज अभी चलाया भी नहीं, आपके सामने अनरैप किया है, देखो डेंट आया है फ्रिज के अंदर, एक एक यहाँ, ये देखो कितना बड़ा डेंट है, और दिखाता हूँ आपको, तीन चार जगह डेंट है, ये देखो इधर, मतलब कैसा प्रोडक्ट आ रहा है आजकल, नया मंगवाया है आपके सामने, और डिलीवरी भी मैंने नहीं करी, राइट, डिलीवरी होके आई है, मैं तो बस घर से नीचे से लाया हूँ। ये देखो यहाँ पे देख रहे हो, आपको लाइट में दिखाता हूँ, ये देखो गाइस कैसा डेंट, इधर भी डेंट, क्या प्रोडक्ट आ गया है ये समझ नहीं आ रहा, बट गुड थिंग है कि उनको फ़ोन करूँगा मैं, बोलूँगा कंप्लेंट करूँगा कि ये क्या है भाई, नया प्रोडक्ट है, और कुछ मैं प्लग इन भी नहीं किया अभी, तो ये हाल है देखना, डेंट का, डेंट वाली चीज़ तो नहीं रखूँगा मैं, कैसे डेंट आया पड़े, मैं तो नहीं रखूँगा ये वाला प्रोडक्ट, या तो इनको रिप्लेस कर पाऊँगा, डेंट के पैसे थोड़े नहीं है मैंने, ये क्या कर रहे थे यहाँ पे, देखना जरा देखना सोफे की हाल, देखना क्या कर दिया, मजे से बैठा होता है, क्या कर रहे थे यहाँ पे, मर्जी का माल लिया, कुछ भी करता है, बस पपी हो जाओ एक बारी, हमेशा पपी रहोगे आप, अब थोड़ा पपी रहा, एक साल का हो गया, मेंटली तो पपी है वो। बडी गुड डॉग ये मेरा, देखना बडी तो इंजीनियर की तरह मेरी हेल्प कराता है पूरी यहाँ पे बैठ के। अरे ये बडी को पहना दे, सारा कुछ मुझे करना पड़ेगा, पहले रजत को अगर बोलना ना कि खाना बना दो, कड़छी निकाल के दो, वो निकाल के दो, हाँ प्याज टमाटर सारे काट के दो, और फिर कहेंगे कि मैंने बनाया, एक कड़छी खिलानी है बस, उसको बोलना कि भी मैंने बनाया। अच्छा देखो गाइस, क्या बोल रही थी अपनी मम्मी से मेरे बारे में, हैं मैंने कहा तो रजत बहुत अच्छे हैं, मेरा तो बहुत है ना, हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था मुझे कि हाँ तेरे पापा भी ऐसे बहुत प्यार करते हैं मुझे, उनका सबके ही बच्चे ऐसे प्यार करते हैं मुझे लगा। तो गाइस सब कुछ काट कूट के दे दो, हर चीज कटी पटी होनी चाहिए, इवन बर्तन भी रख दो, चम्मच भी रख दो, हर चीज रख दो, रजत आएंगे उन्हें पहले तो म्यूजिक ऑन होगा, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऐसे करके, फिर ऐसे करके ओ रेडी है, ये ना नौटंकी मत करो, फिर भी मेरे से बनवाती हो तुम, सच है लेकिन है नहीं है सच, तो मैं अब है नहीं है सच, वही अब मैं बताता हूँ, रुको अब देखो गाइज, असिस्टेंट नर्सेज होती हैं, सब सब तैयार करके रखती है ना, डॉक्टर्स बड़े बड़े स्पेशलिस्ट आते हैं वो करते हैं ऑपरेशन, राइट, तो वो एग्जांपल है, अब शिल्पा असिस्टेंट मेरा सारा खाना वाना तैयार करके इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखेगी, और यहाँ बड़े बड़े शेफ आए हैं वो कुकिंग करते हैं, राइट, दैट्स अ फैक्ट शिल्पा, समझिए आप, नर्सेज की ज्यादा कदर होती है ना कि डॉक्टर की, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। चलो गाइस वीडियो में बंद करता हूँ क्योंकि बडी का हो गया फूड टाइम, कौन सा टाइम, फूड टाइम, तो बडी एंड डैडी फूड खाएंगे और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में गाइस, आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैंने बाय द वे उनसे फ्रिज के बारे में चेक किया, मैंने फ्रिज के रिव्यूज देखे, मोस्टली लोगों के डैमेज आए हुए, गाइस लोग पहले देखते हैं रिव्यूज उसके बाद लेते हैं, मैंने लेने के बाद रिव्यू चेक कर, मैंने मैंने ब्रांड नेम को ट्रस्ट किया, ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, तो मुझे लगा मेरा क्यों आएगा डैमेज, मेरा भी डैमेज आया है, रिप्लेसमेंट कराऊंगा मैं, डोंट वरी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में गाइस, बाय।